नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज़ में। आज का जो वीडियो है वो चयनित अभ्यर्थी जो कि नियुक्ति पा चुके हैं उन विद्यालय में जो कि बलिया में है, रामपुर में है और पीलीभीत में है, उनसे संबंधित है जहां पर खाली सीटों का ब्यौरा यहां पर उपलब्ध कराया गया है। तो पहली लिस्ट है, ये देखिए रामपुर की है जो कि खाली विद्यालय का विवरण है कि कहाँ पे कितना सीट खाली है। वहीं सेकंड लिस्ट की बात करें तो पीलीभीत की है जिसमें खाली सीट का ब्यौरा है विद्यालय के। वहीं तीसरी लिस्ट की बात आइए करते हैं, यह है रामपुर डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का नाम दिया है, स्कूल का नाम दिया है, UDISE कोड दिया गया है, स्कूल का लोकेशन है रूरल है कि अर्बन है, स्कूल टाइप है और पास असिस्टेंट टीचर वैकेंसी यहाँ पर जो बताया गया है, क्रम डिस्ट्रिक्ट का नेम, ब्लॉक का नेम, स्कूल का नाम, यहाँ पर कोड, स्कूल का लोकेशन, स्कूल का टाइप और यहाँ पर टीचर की वैकेंसी कितनी है। तो ये पूरे PDF का जो 16 पेज में है पूरी PDF रामपुर का, आप इसे रोक करके आसानी से देख सकते हैं। तो 209 यहाँ पर रामपुर अभी तो रूरल ही चल रहा है, पे रूरल के बाद चलेगा अर्बन का, तो यहाँ रूरल ही है अभी तक फिलहाल। तो ये प्राइमरी स्कूल के लोकेशन जो दिए गए हैं टोटल रूरल वाले, और नीचे का अभी अर्बन शुरू नहीं हुआ है, रामपुर का ही लिस्ट है ये। खाली सीटों का ब्यौरा है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सेकंड काउंसलिंग, 36,590 सीट का जो काउंसलिंग हुआ है वहाँ पर कौन से सीट पर विद्यालय में काफ़ी अभी रूरल पर ही चल रहा है ये लिस्ट पूरी। सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पर देखिए सीटों का ब्यौरा है। और यहाँ पर देखिए टोटल अभी रूरल वाला ही चल रहा है। टोटल 16 पेज का ये PDF है। ये लास्ट PDF है इसका। वहीं पीलीभीत और बलिया का PDF देखने से पहले एक हेडलाइन देख लीजिए, नोटिस बोर्ड लगा है सीतापुर के लिए। बताया क्या गया है यहाँ पे कि उपस्थित पंजिका के अनुसार हस्ताक्षर हेतु आवंटित टाइम टेबल, यहाँ पर जो टाइम टेबल लगाया गया है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें किस पंजिका के अनुसार अपना सिग्नेचर करना है। तो क्रम संख्या 1 पर देख लीजिए, 1 से 350 तक, 9 बज के 30 मिनट तक महिला अभ्यर्थी आके सिग्नेचर करेंगी। 351 से 700 तक, 10 बज के 30 मिनट से 12 बजे तक महिला अभ्यर्थी ही सिग्नेचर करेंगी। 701 से अंत तक जो रहेंगी 12 से 1 के बीच में महिला अभ्यर्थी ही सिग्नेचर करेंगी। वहीं 1400 तक, फिर 1 से 2 बज के 30 मिनट तक पुरुष अभ्यर्थी सिग्नेचर करेंगे, जबकि पश्चिमी क्रमांक पर 401 से लेकर अंत तक 2 बज के 30 मिनट से 4 बजे तक पुरुष अभ्यर्थी अपना सिग्नेचर करेंगे आवंटित टाइम स्लॉट पर। वहीं विद्यालय आवंटन के एक दिन पूर्व विद्यालय की सूची जारी हो जाएगी। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को सीधे मनचाहा विद्यालय तुरंत वरीयता क्रम में मिल जाएंगे। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को जिस दिन विद्यालय आवंटन होगा उसी दिन जाकर के BRC पर ज्वाइन करते हुए विद्यालय पर भी कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। अन्य पुरुष शिक्षकों को रोस्टर के हिसाब से सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दूसरे दिन विद्यालय मिलेंगी।
विद्यालय आवंटन के पश्चात 2 सेट सभी अंक प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्रों के साथ BRC पर जाकर के वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और वहीं से तुरंत विद्यालय पर जाकर कार्यभार ग्रहण करनी है। BRC पर 1 सेट फाइल जमा होगा और 1 सेट जब आपकी सर्विस बुक बनेगी तब आपका सर्विस बुक के साथ सभी प्रमाण पत्र संलग्न होंगे। सर्विस बुक बनने के ही दिन मानव संपदा का फॉर्म भी भरकर देना रहेगा जो BRC पर फील होगा, जिससे आपकी मानव संपदा ID जनरेट होगी। वहीं बात कर लेते हैं अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी द्वारा दिनांक 4/12/2020 को सर्वोच्च प्राथमिकता के अंतर्गत निर्गत शासनादेश संख्या 1657/68/5/2020 के बिंदु 3 के अंतर्गत पॉइंट मेंशन कर दिया गया है। तो 3-3 बिंदु के अंतर्गत यहाँ पॉइंट मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आता है श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त शासनादेश को आलोक में रखते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कृपा करें। बात हो रही है अदर राज्य की, जो शासनादेश जारी हुआ था संशोधन वाला 3-3 के अंतर्गत, जिसमें अलीगढ़ में जो बाहरी राज्य के हैं अभ्यर्थी उनका रोका गया है, नाम है रामबाबू वर्मा और इन्हें रोका गया है, ये राजस्थान के हैं इसलिए रोका गया है। वहीं अदर्श राज्य की ही बात करें तो एक अन्य मैटर पे सरायबस्ती का देख लीजिए क्या है। तो ये सरायबस्ती में देखिए अदर राज्य का ही मैटर है, यहाँ पर देख लीजिए पन्ना जो कि पोस्ट है इनका, जिला झज्जर है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का मैटर है। यहाँ पर इनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, जबकि वहीं अलीगढ़ में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को रोका जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसी किसी राज्य में अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कहीं कहीं नियुक्ति पत्र दे ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बाहरी अभ्यर्थियों को लेना है कि नहीं लेना, जबकि मेंशन जो है वहाँ पर दिया है कि अदर राज्य के अभ्यर्थी को लिया जाएगा जो कि शासनादेश के अनुसार है। वहीं कई डिस्ट्रिक्ट वाले समझ नहीं पा रहे हैं इसमें क्या करना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ शासनादेश में यही बताया गया है, निवास प्रमाण पत्र संबंधित यहीं पर निर्देश दिया गया। देखिए निवास प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश का होने का प्रक्रम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 5/88/68/5/2019 दिनांक 7/6/2019 निर्गत, इस संबंध में उक्त शासनादेश के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक नेम दिया है, स्कूल नेम और कोड, इसके बाद स्कूल का लोकेशन दिया गया है। तो स्कूल का लोकेशन के बाद यहाँ पे स्कूल टाइप दिया गया है, फिर जो टीचर की वैकेंसी यहाँ पे कितनी खाली है उसको बताया गया है। रूरल क्षेत्र में चल रहा है प्राइमरी की वैकेंसी यहाँ पे अभी भी पीलीभीत, ये टोटल वैकेंसी की संख्या तो यहाँ पर 600 से अधिक ही था। वीडियो को आप रोक करके आसानी से इसकी सीट को देख सकते हैं, 17 पेज का ये PDF है। डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, स्कूल नेम, स्कूल लोकेशन दिया गया है, अधिकतर स्कूल रूरल क्षेत्र में ही है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। बरखेरा में यहाँ पे देखिए 6 सीटें दिखाया जा रहा है। ये टोटल कुल 17 पेज का PDF है यहाँ पे। ₹69,000 शिक्षक भर्ती का आखिरी चरण चल रहा है इस समय, जिसमें आज संशोधन वालों का काउंसलिंग कराया गया। इसके बाद थर्ड काउंसलिंग पर भी अभ्यर्थियों का दबाव है, जल्दी इस पर भी फैसला हो जाएगा बची हुई खाली सीटों पर। संशोधन वाले में आपको बता दें कि अधिकतर संशोधन के मैटर वही हैं जिनमें प्राप्तांक और पूर्णांक के हैं, क्योंकि सुबह के न्यूज में आपने पढ़ा ही होगा कि एक एक नंबर से ऐसे भी अभ्यर्थी चढ़ गए हैं जो कि अच्छे गुणांक के साथ पास हुए थे, लगभग 72 पे है, किसी का 76 पे है, और अंतर जो आ रहा है गुणांक में वो सिर्फ 1 अंकों का है बस।
तो यहाँ पर देखिए पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का पेज नंबर जो चल रहा है, पीडीएफ नंबर इस समय 11 पे चल रहा है, 17 पेज का ये पीडीएफ है। आप इसे यहाँ पर रोक करके देख सकते हैं आसानी से, टाइम के अभाव के कारण पूरा एक सेट नहीं बता जा सकता। नेक्स्ट पीडीएफ जो आएगा बलिया डिस्ट्रिक्ट का है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए ही है जो चयनित हो चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और किस क्षेत्र में कितने सीट खाली है विद्यालय के अनुसार, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। यहाँ पर 16 पेज का वीडियो चल रहा है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का लास्ट पीडीएफ पेज नंबर 17। टोटल रूरल क्षेत्र की ही है ये विद्यालय यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो टीचर डिटेल्स, क्रमांक संख्या, विकास खंड का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय की श्रेणी और यू डाइस कोड है। कुल 1 से 5 तक नामांकन, प्रारंभिक अध्यापक, सहायक अध्यापक, कुल अध्यापक, उसके बाद यहाँ पर आरटीआई के अनुसार शिक्षक संख्या, आवश्यकता और रिमार्क भी दिया गया है। ये सबसे पीडीएफ तैयार किया गया है बलिया का, ये भी काफ़ी बड़ी ये पीडीएफ है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के विद्यालय वाइज खाली, ये प्रॉमली का है जिसमें क्षेत्र वाइज जो स्थित विद्यालय हैं उसका संख्या यहाँ पे बताया जा रहा है। कुल 77 पेज की ये पीडीएफ है। यहाँ पर 5वां पेज चल रहा है। इस सीट को आप अपने विद्यालय के डायर से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी प्राप्त कर सकते हैं। कुल 57 पेज का यहाँ पे पीडीएफ है। तो ये सब पीडीएफ है, आप इसको रोक करके भी देख सकते हैं आसानी से। संशोधन वालों का मैटर समाप्त होने के बाद उनको 12 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद जो खाली सीटें जितनी बचेंगी तब उस पर काउंसलिंग कराई जाएगी, जो कि बची हुई सीटों पर, जो कि मंत्री महोदय ने भी और बेसिक शिक्षा अधिकारियों का भी बयान है कि काउंसलिंग यही होगा। वहीं जो बची हुई सीटें हैं 1,133 जो कि एसटी कास्ट की सीटें हैं उसे एससी कास्ट में भी ऐड करने का चर्चा जोरों पर चल रहा है। फिलहाल ये निर्णय अंतिम में ही लिया जाता है क्योंकि जब अभ्यर्थियों का जो कि साल्ट लिस्ट करने के बाद उनका काउंसलिंग समाप्त हो जाता है तो बची सीटों पर ही नीचे मेरिट गिरा करके लिया जाता है। तो वहाँ पर कट ऑफ तो 60-65 ही रहेगा लेकिन गुणांक थोड़ा गिरेगा। गुणांक कितना गिरेगा फिलहाल अभी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना उम्मीद है कि 1 से 2 के बीच में गुणांक गिरना तय है। टोटल
सीट है समाप्त हुआ है।